हेलो हाँ मैम, लोकेशन अच्छी है वहीं पर, अभी स्क्रिप्ट का काम थोड़ा करके। हाँ जल्दी 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 आई। यस मैम। सर मैं न्यूज 21 से राजेश बोल रहा हूँ, और सर मैं आपके आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। सर आप बता सकते हैं कि आप इतने बड़े उभरते हुए सितारे कैसे बन गए? जी इसके पीछे मेरा बहुत मेहनत है, मैंने बहुत मेहनत की है जी सर। मुझे लगता है कि अगर आपका फोकस है किसी चीज पे तो आप वो चीज पा लेते हो। आपको ये नहीं देखना है कि हमें बीच में हमारे कितने कठिनाई आ रही है, कितनी मुश्किलें आ रही है, लेकिन हमें अगर एक हमारे एम सेट है तो हम वो फिर पा लेते हैं जी सर। सर आप बताना चाहते हैं आपके सक्सेस के पीछे किसका हाथ था? मेरी सक्सेस के पीछे मेरे संयुक्त परिवार का हाथ है, क्योंकि जैसा उनने मुझे सपोर्ट किया है, जैसा आपने सुना होगा कि न्यूज़ में निकला था कि भाई वो तो अब प्रिंस तो डिप्रेशन में आ गया है। हाँ मैं डिप्रेशन में आ गया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन जैसा उस टाइम मेरी फैमिली ने सपोर्ट दिखाया है मुझे लेके, उनने समझा है कि एक बच्चे की फीलिंग्स किस लाइन में है, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि एक बाप जो स्ट्रिक्ट था और उस बाप में जो बदलाव आया है, ताऊ जी तो चलो मेरे सपोर्ट में थे, लेकिन मेरे पापा ने और मेरे मम्मी पापा सभी ने बहुत सपोर्ट किया है, जिसके लिए मैं आज यहाँ हूँ। सर जैसा कि आपके बारे में पता चला था आप पहले इंजीनियर थे, तो एकदम इंजीनियर से एक्टिंग, एकदम प्रोफेशनल लाइन चेंज कैसे हुई, कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं कभी भी इंजीनियर था ही नहीं, और मेरे पापा इंजीनियर हैं, मेरे ताऊ इंजीनियर हैं, लेकिन मैं एक्टिंग के लिए ही इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने आज अपना ये मुकाम हासिल करा है। तो फिर सर आपने इंजीनियरिंग क्यों की? इंजीनियरिंग मैंने फोर्स में आके की, भाई माँ बाप के कहने पे चलना पड़ता है, तो उस टाइम मुझे भी चलना पड़ा, क्योंकि मैं मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतना आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन हाँ मुझे मेरे ताऊ ने हिम्मत दी, उनने सपोर्ट करा, फिर मेरे पापा ने भी मुझे सपोर्ट करा। फैमिली सपोर्ट मिल जाता है तो फिर सारे काम बन ही जाते हैं। चलिए सर थैंक यू सर। आप इन्हीं के साथ? जी सर। सर मैं डायरेक्टर हूँ। आपका इंटरव्यू देख रहा था। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता रहे थे, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके सक्सेस के पीछे आपकी फैमिली का कितना बड़ा रोल है? हाँ इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत ध्यान से बता। यहाँ से मेरी लाइफ की कहानी अब शुरू होती। अरे दोनों माँ बेटियों कैसे गुसर गुसर कर रहे हो? अरे वो कुछ है, वो अच्छा उसके बेटे शैली की जॉब लग गई थी। बहुत अच्छा हुआ ये तो। प्रिंस की पूछ रही थी। अच्छा प्रिंस क्या कर रहा है? ना जाने ये प्रिंस क्या करेगा, इसका तो कुछ रुझान ही समझ में नहीं आता। जो उसके भाग में भगवान ने लिखा होगा वही होगा। क्या निर्णय लिया तुमने उसके विषय में? काउंसलिंग में नाम आ गया उसका, बेटा की कराना है वहाँ के, जो भी बात करनी है बैठ के कर लेंगे। चलो आइए बैठते हैं। कहीं तुम प्रिंस के मारे तो ये निर्णय ले रहे हो इंद्रेश? भाई साहब हमारे तो खानदान में डॉक्टर इंजीनियर ही हुए हैं ना, आखिर हमारी भी तो बेस्टी है कुछ। आजकल बच्चे जो हैं डिप्रेशन में आते चले जा रहे हैं और सुसाइड की तरफ भी बढ़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं तुम जाने क्या सोच रहे हैं यार। कम से कम जो है उसके दिल के हाल तो जानो यार। बच्चा तुम्हारा एक है, उसके बारे में जरा गहराई से सोचो। मेरे समझ में इंद्रेश एक बार तुम जो है पुनः विचार करो इस पर। भैया मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ निर्णय जो है तुम्हारा ठीक नहीं लग रहा है। बीटेक से कम कराने पे भी तो हमारी प्रेस्टीज इश्यू खराब हो जाएगी ना, हमें ये भी तो देखना है। तुम प्रेस्टीज इश्यू जो है क्यों बना रहे हो अपना, कम से कम बच्चे की तरफ भी तो देखो कि बच्चा क्या चाह रहा है तुम्हारा। मुझे तो ऐसा लगता है इंद्रेश कि तुमने उसकी रुचि के बारे में बिल्कुल जाना ही नहीं है। अरे भैया
रुचि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये बताओ जब हम लोग इस स्तर पे थे प्रिंस की एज के, तो हमारे पापा ने कहा कि इंजीनियरिंग में चले जाओ, तो हम चले गए। तो हमारा बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना? ऐसा तो बनना ही होगा, आराम में इंजीनियर बनना होगा। जो हमारे पापा ने सोचा था वो सोचना उनका उस समय सही था, किंतु आजकल का जो समय है नेट का है और दुनिया भर का जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उस हिसाब से भी तो सोचो। मैंने तो अक्सर उसे देखा है यहाँ पर जो है जो कंप्यूटर पर घंटों घंटों काम करता रहता है। अरे वो भाई बनाता है, बच्चे हैं वो तो थोड़ा बहुत तो शौक होता ही है नेट का और मोबाइल का, करते रहते हैं, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं नहीं, तुम इसमें कुछ गलती कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब। समझ उसके जब तक आप जो है उसके विषय में नहीं जानेंगे तब तक आप निर्णय जो है जो भी ले रहे हैं आप निर्णय वो सही नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, तो डायरेक्टर साहब यहाँ से मेरे कॉलेज लाइफ का पहला दिन स्टार्ट हो गया। पहला दिन हुआ नहीं, पढ़ाई की लगाना शुरू करने यार, ये कब समझेंगे मेरे मन की बात? मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग नहीं। क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो अभी? सब आप तो जानते हैं मेरा इंटरेस्ट इन सब नहीं है, मुझे यही करना है। अरे इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? तुम्हारे इतने अच्छे 12th में मार्क्स आए हैं, उसके बाद भी तुम इंजीनियरिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, क्या मतलब है इन सब चीज का? अरे नहीं समझ में आती इंजीनियरिंग, नहीं बनना इंजीनियर।
ट्वेल्थ तक मैं माँ बाप के हिसाब से चल लिया भैया, अब मैं नहीं चल सकता। मेरे कुछ अपने भी ड्रीम्स हैं, मुझे कुछ अपने तरीके से भी कुछ अपनी लाइफ जीनी है। ड्रीम्स हैं वो मानता हूँ तुम्हारे ड्रीम्स है, लेकिन माँ बाप से बड़े तुम्हारे ड्रीम्स होते हैं कोई? माँ बाप सबसे बड़े होते हैं। मुझे नहीं समझ में आती पढ़ाई, मुझे नहीं करना इंजीनियर, नहीं बनना इंजीनियरिंग, कुछ नहीं करना मुझे, मुझे सिर्फ एक्टिंग करना। ऐसा नहीं हो सकता ना, हम इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी तुम्हें। जरूरी नहीं है कि जो उनने सपने देखे वो मैं ही पूरे करूं। आप करते रहो उनके सपने पूरे, आप बनते रहो इंजीनियर। कभी पूछी मेरी इच्छा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, सब थोप दिया मेरे ऊपर, ले तू इतने परसेंटेज ला, इतने परसेंटेज नहीं लाएगा तो तुझे घर में नहीं घुसने को मिलेगा। क्यों? पापा तो बहुत चिल्लाते, पापा को तो बिल्कुल टॉपर बच्चे चाहिए। क्यों? हमारे घर में सबने इंजीनियरिंग करी है नहीं करी है? भैया करी है सबने इंजीनियरिंग, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। हमारे घर में सब भाई हमारे इंजीनियर्स हैं, सारे भाई हमारे अच्छे प्रोफेशन में हैं। ताऊ इंजीनियर है, पापा इंजीनियर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी इंजीनियर ही बनूं। मेरे खुद के कुछ ड्रीम्स हैं और मैं उनको पूरा करके रहूंगा। आपने कभी पूछी मेरे बड़े भाई, आप कभी पूछते प्रिंस तू क्या करना चाहता, दिन भर क्यों मोबाइल चलाता रहता, ट्वेल्थ के बाद तुझे हो क्या गया है? कभी पूछा मुझसे? नहीं पूछा। आज पूछने आया कि प्रिंस यार क्या कर रहा है, तू टाइम बर्बाद कर रहा है। अरे कम से कम ये तो देखो कि मैं क्यों इतना मोबाइल में घुसा रहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। वो बात तेरी ठीक है, लेकिन माँ बाप के भी तो कुछ सपने होते ही नहीं होते हैं। हम पूरी जिंदगी माँ बाप के सपने जोड़ने में लगे रहो, हमारे खुद के सपने कहाँ जाएंगे, कूड़े के ढेर में। तुम नहीं समझ पा रहे हो, लाइफ इतनी आसान नहीं है, तुम नहीं समझ रहे हो मेरी बात। लाइफ तब तक मुश्किल है जब तक हम उसको मुश्किल बनाते हैं, और जिस दिन हम अपनी लाइफ को आसान बनाने में आ जाते हैं ना, उस दिन लाइफ कोई मुश्किल नहीं होती भैया। तुम नहीं समझ पाओगे, आप नहीं समझ सकते भैया। कभी दिल से सोचो मेरे बारे में, कभी दिल से। तेरे बारे में दिल से सोच के तो इंजीनियरिंग में करवाया था एडमिशन, घर से वालों से कह के मैंने। आप कुछ करना चाहते हो ना, तो आप प्लीज चले जाओ यहाँ। मेरे खुद के कुछ सपने हैं, इंटर तक मैं जी चुका हूँ पापा ताऊ सबके कहने से। भैया अब मुझे अपनी लाइफ जीने दो। अगर तुझे यही सब करना था तो तूने बीटेक में एडमिशन क्यों लिया? नहीं कर सकता उन पापा का सामना, आप जानते नहीं क्या उन्हें कितना गुस्सा आ जाता है। अगर मैं उनसे कह दूं मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, ये कोई बात नहीं होती है। आप नहीं समझोगे भैया, क्योंकि आप गुड बॉय हो ना, आप इंजीनियर हो ना। एडमिशन लिया है मैंने, लेकिन नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई, नहीं बन सकता मैं इंजीनियर। मैंने बहुत कोशिश करी थी लेकिन नहीं हो रही मुझसे इंजीनियरिंग। किताब खोलता हूँ तो सिर्फ स्क्रिप्ट दिखाई देती है, वीडियो सॉन्ग दिखाई देता है, नहीं मैथ साइंस दिखाई देती। मुझे कुछ नहीं याद है, मुझे मैं सब भूल चुका हूँ, क्या मैंने पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था कुछ समझ में नहीं आता, ब्लैंक हो जाता हूँ जैसे ही किताब खोलता हूँ, ख्यालों में खो जाता हूँ मैं। तेरा जो मन करे वो कर, प्लीज जाओ। ओ भाई। अबे तुम एक दूसरे जानते हो? हाँ। अरे वाह यार, एक चीज बता, इसका पढ़ने में इंटरेस्ट है, तू गिटार बजा रहा है, मतलब तू अपने टाइप का है। क्या बात है, तो तेरे से भाई खूब जाते मेरी भी। अबे ये जानता है, ये मैकेनिकल मिला मुझे। ओके भाई, पर मैं पढ़ाई में तू लगा रहा है भाई, तू लग रहा मेरे बाप के जैसा है। ओके भाई, भाई तू इधर दे। या बताऊं, पहले बिल्कुल बहुत अच्छा गिटार बजाता था, लेकिन ये मेरे पिताजी ने ना इंजीनियर। हाँ भाई देवे, मेरे पापा इंजीनियर। ओके दैट्स व्हाई। तेरे पापा इंजीनियर के? हाँ। तभी यार ये निकल गया इंजीनियर, और तू ऐसा क्यों हो गया? बस यार भाई, घर वालों ने कहते हैं इंजीनियरिंग करो, लेकिन मेरा शौक बचपन से ही था, पर अब खुशी के लिए बजाना पड़ता है। खुशी के लिए बजा रहा है, लेकिन भाई मैं एक्टिंग करके रहूँगा, तुझे पता है, मैं तो अपनी यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला हूँ। अबे क्या वीडियो हिट जाएगी यार, बहुत खुशी होते हैं वो लोग जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं। अबे खुश तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग अपने माँ बाप के कहने पे चले पड़े यार, यहाँ मेरी तरह जीना सीखो यार। हम कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप की खुशियाँ बहुत बड़ी होती है। अरे यार फिर वही, अब तू मेरे भाई की तरह क्यों बातें कर रहा है यार?
है, वो भी माँ बाप की खुशी, माँ बाप का पैसा, माँ बाप का सब कुछ। कौन यार हम लोग, आज कौन से कहाँ है यार, और तुम लोग माँ बाप की खुशी। हाँ आप लोग कहाँ टहल रहे हैं भाई, तुमने सुना नहीं क्या? पढ़ने आते हैं क्या, घूमने आते हैं? सभी क्लास लेके आते हैं। किस चीज का क्लास था? केमिस्ट्री का। कैसी पढ़ाई चल रही है? सर पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन सर प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं मिल रही है। कोई भी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं कराता है, बस लिखाते जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल रही। कौन है टीचर आपके? अजय सर। चलिए मैं आपकी बात डायरेक्टर से करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ भाई कैसा आना हुआ एग्जाम? सर कुछ बच्चों की कंप्लेंट है कि प्रैक्टिकल नहीं कराए जाते हैं, उन्हें थ्योरी कराई जाती है, इसलिए आप कुछ। हाँ भाई आप क्या बना रहे हैं? सर बच्चों को जब बैठक कराया जाता है, बैठक रूम में जाया जाता है तो बच्चों को बुलाते भी हैं, अब बच्चे सर नहीं आते तो किसको बैठक कराया था? भाई एक बार बताइए, ये तो बहाना नहीं चलेगा, ये सारी चीजें आपको विचार करके ही करना है, और जब आप प्रैक्टिकल नहीं कराएंगे तो बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? क्या लेक्चर ही जरूरी है? जहाँ लेक्चर जरूरी है वहाँ प्रैक्टिकल भी जरूरी है, और ये सोचना आपका काम है, बच्चे को कैसे हैंडल करेंगे, तरीके होते हैं इसके, प्यार से, लार से, दुलार से, या फिर डांट से, कोई तो रास्ता अपनाओगे प्रैक्टिकल के लिए, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तो बच्चा पैसे पास कैसे होगा? प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब कैसे होना है ये विचार आप अपने मन से सोचिए। देखिए प्रिंस को बुलाइए पहले, मैं प्रिंस से बात करना चाहता हूँ। प्रिंस के संदर्भ में मैंने बहुत कुछ सुना है, आप प्रिंस को बुलाइए। ठीक है सर, मिलते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आप भी प्रिंस हैं? जी सर। क्यों भाई प्रिंस, क्या बात है? अरे भाई तुम इतने अच्छे लड़के, पढ़ाई में इतने अच्छे, आप भी अच्छे थे, अब बैक पे बैक क्यों आ रही है आपकी, क्या कारण है ऐसा? सर मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये इंजीनियर नहीं बनना, वो मेरे पापा ताऊ सबके जिसके चक्कर मैंने एडमिशन ले लिया, लेकिन मैं नहीं बन सकता इंजीनियर। अरे सर नहीं होती मुझसे, पता नहीं क्यों सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मेरी लाइन अलग है। कौन सी लाइन है भाई तुम्हारी? तुम्हारे घर में तो सब पढ़े लिखे इंजीनियर बने, और तुम्हारी कौन सी लाइन आ गई? सर सर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ सर, नहीं कर सकता सर मैं पढ़ाई। तो एक बात बता दें, हम आपको रस्सी गेट कर देंगे। कहाँ हो भाई, कहाँ रहते हो, चमकते ही नहीं तुम बिल्कुल। भाई बाहर से आ रहा था, दुकान तक गया। अच्छा, और वो प्रिंस भी नहीं चमक रहा, कहाँ है आजकल? अरे क्या बताऊँ प्रिंस, बहुत ही ज्यादा पता नहीं परेशान है, मेरी अभी कल उससे बात हुई थी छत पे, तो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। अरे परेशानी की ऐसी क्या बात है? बहुत ज्यादा उसके संग दिक्कत है, कह रहा है कि क्या कहते हैं उसका दिल ही नहीं लगता इंजीनियरिंग करने में बिल्कुल। अभी शुरू शुरू की बात है, जरा माहौल सही हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो उसकी बिल्कुल उसकी रुचि ही नहीं है, आए दिन यूट्यूब और इन सब में पूरे दिन लगा रहता हूँ, बहुत दिक्कत है उसके साथ। बहुत ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन टाइप में है, बहुत ज्यादा उसके अंदर परेशानी टाइप की है, ओवर हो चुका है। इंद्रेश एक बार पुनः विचार करो तुम। चलो देखते हैं, डिप्रेशन में आ जाएगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ। चलो मैं सब देखते हैं। चलो प्रिंस, ये
क्या कर रहे हो? लैपटॉप चलाने का टाइम है ये? पापा बात सभी बोला था मैंने। तुम्हें बताया है कि तुम इंजीनियर में ये चीज तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ ये बुक्स है। तुम्हारी नाक कटा हो गई क्या समाज में? आगे से मैं ये नहीं देखूं, पढ़ते हुए मुझे चमकना चाहिए बिल्कुल। अगर तुझे यही सब करना था तो तूने बीटेक में एडमिशन क्यों लिया? नहीं कर सकता मैं पापा का सामना। तुम्हें कैसे फेंक दिया मैंने? तुम तो इंजीनियर बनाते हो, इंजीनियर ही तो बनना है मुझे। गलती गलती के साथ फेंक के, लेकिन अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो अपने ड्रीम्स नहीं पूरे कर पाऊंगा, और अगर मैं अपने ड्रीम्स पूरे करूंगा तो मेरे तो खानदानी मर्यादा खराब हो जाएगी। तो तुम्हें रखूं या ड्रीम्स को रखूं? भाई बोल रहा था कि तुम खराब हो रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पढ़ रहा हूँ तो फिर मुझे तो मुझे कुछ एक्टिंग का ही क्यों दिखाई दे रहा है? क्या क्या लिखा हुआ है ये सब? क्या है ये? क्या मैं मैकेनिकल का स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे मशीनें दिखनी चाहिए, मुझे मशीन समझ में आनी चाहिए। क्यों सब क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अरे इतने अच्छे परसेंटेज आई थी मेरी, क्या हो गया है यार? एक्टिंग, तू एक्टर है? अरे पता है तू यूट्यूब के लिए वीडियो डालता है? हाँ तुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है। अबे वो ही तो ड्रीम है तेरा, वो तुझे एक्टिंग करनी है? तू पागल है? तू गलत जगह पैदा हो गया, ऐसा हुआ है क्या? है ना, ऐसा है? ओ नहीं नहीं, अबे पागल है तू? इंजीनियर का लड़का है, जानता नहीं है? तुझे पढ़ना है। अब मुझे एक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है? देखो किताब मेरे हाथ में इंजीनियरिंग की, पापा भी इंजीनियर है, ताऊ भी इंजीनियर है, तो एक्टर एक्टर दिमाग में कैसे आया मेरे? क्या हो गया? नहीं, पापा मैं बनूंगा इंजीनियर, बनूंगा पापा। तुझे एक्टर बनना है, एक्टिंग के लिए पैदा हुआ है तू? कहाँ है तेरी यूट्यूब पे वीडियो बनी? एक्टर बनना है तुझे, तू एक्टिंग के लिए पैदा हुआ, तुझे एक्टिंग करनी है, तू एक्टर बन के रहेगा। तू एक्टर
पापा काम की जल्दी आएगी, भैया भी बहुत। इंजीनियर बना दिया इसके लिए यहाँ पर। अरे तो मुझे क्या मालूम था ये होगा। मैं तुम्हें बार बार आगे कर रहा था कि जो है इंद्रेश मान जाओ, पर तुम माने ही नहीं। हार्ड मास के पुत्र के लिए तुमने बिल्कुल मशीन बना कर रख दिया, तुमने समझ ही नहीं रहे थे तुम इस बात के लिए। अब क्या करें, डॉक्टर के लिए चले से? हाँ इधर लेके चलो चाचा। चलो भाई को लेकर चलो, भाई को लेकर चलो। चलो मैं एम्बुलेंस लाता हूँ। फोन करो। इनका बीपी काफी लो है जी, ये शायद डिप्रेशन में है, किसी तरह की कोई परेशानी या कोई तनाव की वजह से इस चक्कर में चक्कर आया होगा, बीपी डाउन हुआ, इस चक्कर में बेहोश हो गए। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ दवाइयाँ कुछ जांच वगैरह लिखवा देता हूँ, एक बार मेरे को लिखवा दीजिएगा दवाइयों से ठीक हो। डॉक्टर साहब बेटा सही तो हो जाएगा ना मेरा? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी दवाइयाँ इंजेक्शन दे दिए, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। धन्यवाद, आप परेशान मत होइए। रिपोर्ट है
रिपोर्टें बिल्कुल ठीक हैं, अब बिल्कुल होश भी आ गया है, ठीक है। और बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा किसी तरह की कोई मतलब टेंशन ना ले किसी भी तरह का, ठीक है। बाकी और मैंने दवाइयाँ लिख दी, 4-5 दिन दवाइयाँ दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाए। कैसे हो प्रिंस? अब ठीक हो सर। टेंशन किस बात की लेते हो? टेंशन को लेने की चीज है, ठीक है सर। खुश रहो, टेंशन किसी भी चीज की नहीं लेनी है, बिल्कुल ठीक हो तुम अब, ठीक है। बस सर हो गई, टेंशन मत लो, बिल्कुल खुश रहो। और कोई परेशानी है तो शेयर करो किसी भी, ठीक है। कर लो, ठीक हो बिल्कुल, ठीक है। ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, बहुत धन्यवाद, ठीक प्लीज पापा एक मौका देके देखिए प्लीज, मैं बहुत अच्छी करके दिखाऊंगा। दोनों मौका से चलिए, चल बेटा, अब तुझे मौका देते हैं, मैं देता हूँ, तेरा ताऊ हूँ ना मैं दूंगा तुझे मौका, अगर ये नहीं देगा तो नहीं, मुझे पापा के मुझसे दूंगा बोलो। क्या बना रहे हो बेटा ये? पापा ये मेरे नए जो वीडियो सॉन्ग आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, और कितनी देर बैठोगे? देखो पापा अभी तो शुरू करा है, बस ये करा। अरे सब बच चुके हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल रखो थोड़ा सा। पापा आप जानते हैं मैं इसमें कितनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल परफेक्शन वाला काम चाहिए। अच्छा अच्छा बनाया है, बहुत अच्छी बनी पापा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाइए। मैं आपके लैब के ऊपर एक मूवी जरूर बनाऊंगा, ठीक है, तो मुलाकात होगी।